दोस्तों मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से घर में पूजा हो रही है, और वहीं पे ही मीत अलावत के फादर राज ने बोला है कि जो कि आप सिंदूर लगाओ, लेकिन दोस्तों वहां पे हाथ नहीं उठ पा रहा मीत अलावत का ऊपर के लिए, क्योंकि इस समय जो इंजेक्शन लगाया था नीलम ने मीत अलावत के, वो पूरी तरीका से काम करने लग गया है, क्योंकि उसका असर जो कि होने लगा है और मीत अलावत का शरीर लगभग डाउन सा होता जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, कृपया करके गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला एपिसोड वाकई में काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत के ऊपर जो कि तकिए से मुंह भींचने की कोशिश करेगी नीलम, क्योंकि नीलम का इतना गंदा इतना भयानक चेहरा देखने को मिलेगा कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि मीत अलावत के साथ में शुरू से ही कोई ना कोई ऐसी चीज की है नीलम ने, जो कि हमेशा हर्ट करे, लेकिन अब इस समय मारने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि नीलम ने बोल दिया है कि मैं उस दवाई का नाम कभी नहीं बताऊंगी जो दवाई मैंने उसको दी है। जी हाँ, जो इंजेक्शन लगाया है उस इंजेक्शन के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रही है। और बात की जाए मीत अलावत की, तो मीत अलावत के ऊपर इस समय पूरी तरीका से सवार हो चुकी है इस समय नीलम, क्योंकि नीलम जानती है कि किसी भी तरीका से अगर मैं इस दवाई का नाम नहीं बताऊंगी तो मीत अलावत धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मीत हुड्डा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देगी, और जितना हो सकता है इतना वो कोशिश कर रही है। साथ ही दोस्तों मीत अलावत की मॉम बोलती हुई नजर आने वाली है मीत हुड्डा से कि मैं जानती हूँ बेटा कि तू कुछ भी करेगी, लेकिन तू इस काम को कर सकती है, अब तेरे ऊपर है कि तू किस तरीका से हमारे बेटे को बचाती है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग जानते हैं कि किस तरीका से मुसीबत आती है तो मीत हुड्डा को ही याद करते हुए नजर आते हैं सब लोग। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज, लव यू ऑल ऑफ यू, आपने सपोर्ट किया है।